सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में महान साहित्य मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित निबंध क्या निराश हुआ जाए पर आगे चर्चा करेंगे और जानेंगे पाठ का सार। आइए। लोगों का स्वार्थी होना। लेखक सोचता है कि देश के करोड़ों दरिद्र जनों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों की व्यवस्था की जाती है, जिससे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन लक्ष्य तो साधे जाते हैं, परंतु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ऐसे में जिन लोगों को सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए, वे तो वंचित रह जाते हैं। दूसरे स्वार्थी लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। कानून को धर्म के रूप में देखना। भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कानून को सदा धर्म के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में कानून और धर्म में अंतर आ गया है। लोग मानने लगे हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानूनी कार्यों से लाभ उठाने में चूकते नहीं हैं। ऊपर से भले ही चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु धर्म सदा कानून से बड़ा ही रहा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं, परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश भी यही सिद्ध करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और उन तत्वों की अहमियत को भी कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीकों से धन व मान संग्रह करते हैं। बुराई को उजागर करना। लेखक का मंतव्य है कि लोग किसी की बुराई या गलत पक्ष को उजागर करके रस लेते हैं, अर्थात मजा लेते हैं, जबकि किसी की बुराई में आनंद लेना बुरी बात है और अच्छाई को जानते हुए भी उसे उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यदि हम अच्छी बातों को उजागर करेंगे तो औरों के मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगे। लेखक के जीवन के मानवीय भावनाओं से प्रेरित घटनाएं, आइए देखिए क्या है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक ने गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और जल्दी से डिब्बे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वही टिकट बाबू आया और 90 रुपये हाथ में देकर बोला, ये अपने रुपये ले लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, न आपने देखा और न मैंने ध्यान दिया। यह सब कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दूसरी घटना के अनुसार आइए देखते हैं दूसरी घटना क्या है। लेखक अपने परिवार सहित रात में बस की यात्रा कर रहा था, कहीं वो जा रहे थे। बस एक ऐसे स्थान पर खराब हो गई जहां से 10 मील तक कहीं गांव व आबादी नहीं थे। रात के 10 बजे थे। कंडक्टर बस के ऊपर रखी एक साइकिल लेकर तेजी से चला गया। लोगों ने समझा दाल में कुछ काला है। ड्राइवर, कंडक्टर, डाकुओं, लुटेरों से मिले हुए हैं। सभी लोग डर के मारे घबरा रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के बाद कंडक्टर एक दूसरी खाली बस लेकर आ गया, साथ में एक लोटा दूध भी लेखक के बच्चों के लिए ले आया, क्योंकि उसने यात्रियों के बच्चों को भूख के कारण रोते देखा था। यह सब देख सबकी जान में जान आ गई। इन दोनों घटनाओं के आधार पर लेखक ने बताया है कि चाहे ऐसी घटनाएं कम ही होती हो, परंतु संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी जीवन आस्था की दृष्टि से ये बहुत मूल्यवान और प्रभावकारी हैं। ऐसी घटनाएं ही हमें आस्थावान और आशावादी बनाती हैं। लेखक का मानना है कि कई बार जीवन में मैं भी ठगा गया हूँ, धोखा भी खाया है, कुछ विश्वासघात भी सहा है, लेकिन यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं,
आशावान बनना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं बातों का हिसाब मत रखो जिनमें धोखा खाया है। इससे जीवन जीना जो है वो कष्टकर हो जाएगा। बल्कि ऐसी बातों को भी याद करो जब लोगों ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी किसी भी रूप में सहायता की है। निराशा भरे मन को आशा की किरण अवश्य दिखाई पड़ती है। रविन्द्रनाथ ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी प्रभु मेरा विश्वास तुम पर सदा बना रहे। अर्थात दुखों में भी उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आशा की ज्योति। अंत में लेखक इस परिणाम तक पहुंचता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां जो है गलत नतीजे तक पहुंच रही है। इनमें बदलाव करना होगा और सही परिणामों की ओर बढ़ाना होगा। इस हेतु बढ़ाना है आत्मविश्वास व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम करने से अवश्य निराशा के बादल छट जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।